तो ऐसे में देखिए किसानों के जो तीन कृषि कानून को लेकर आंदोलन पिछले एक साल से चल रहा था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खत्म करने की अपील की। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों की अब भी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर वो अड़े हुए हैं। और क्या कुछ अब किसानों की आगे की रणनीति होगी वो जानने की कोशिश करेंगे। किसान नेता पवन खटारा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं फोनों पर। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी पवन जी, अब आज जो है वो किसानों की बैठक होने जा रही है, ऐसे में बैठक में आगे की रणनीति क्या कुछ होगी वो तय करने की कोशिश की जाएगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी अब किसान आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं। अभी जो लड़ाई थी हमारी वो आज से 70 साल पहले से एक लड़ाई जारी है। जी, देश आजाद हुआ लेकिन देश के किसानों की फसलों को वाजिब मूल्य नहीं मिलता। हमने कहा था कि एमएसपी पर कानूनी जामा पहनाया जाए। हमारी लड़ाई लगातार चल रही थी। 2018 में भी हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर पर आए थे, यहाँ पर संघर्ष हुआ था और उसके बाद सरकार ने कहा कि हम जल्दी ही एमएसपी पर कानून बना देंगे, C2+50 लागू कर देंगे। उसके बीच में ये काले कानून आ गए। काले कानूनों के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी गई। काले कानून देश की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए, उनका कदम सराहनीय, स्वागत योग्य, धन्यवाद। लेकिन हमारा एमएसपी कहाँ गया? जिस एमएसपी की लड़ाई हम पीछे से लड़ते आए हैं वो एमएसपी की लड़ाई को हम पीछे क्यों छोड़ देंगे? अब क्या हम दोबारा से आंदोलन करने के लिए आए? एक साल बैठने के बाद जो इन्होंने एक साल के बीच में जो एक नई एक समस्या पैदा की थी वो समस्या हटाइए बस, लेकिन किसान को तो वहीं छोड़ दिया ना इन्होंने जहां था किसान। हम ये कह रहे हैं भाई एमएसपी पर कानून बना दो। जो किसान आंदोलन के दौरान अपने परिवार को छोड़ गए, शहादत दे दी जिन्होंने, उनका परिवार का जीवन कैसे चलेगा, वो जीविका एक बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या होगा एक वो विषय। जी लेकिन पवन जी, इस तरह से तो आपकी जो मांगे हैं वो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर मान लीजिए जो अब आप मांगे उठा रहे हैं कि सरकार उन्हें मान लेती है, फिर आप और कुछ मांगे लेके आ जाएंगे अपनी? पवन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, पवन जी से शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में किसानों की तरफ से अभी भी लगातार तमाम मांगे रखी जा रही हैं। किसानों ने साफ तौर से कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला सराहनीय है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई मांगे किसानों ने अब भी रखी है कि एमएसपी पर कानून जो है वो बनाया जाए, क्योंकि पिछले एक साल से जो संघर्ष हम कर रहे थे उसका नतीजा, उसका रिजल्ट तो सही मिला, लेकिन जो हम मांग कर रहे थे पिछले कई सालों से उसका कोई भी समाधान नहीं निकला, वो ये कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि राकेश टिकैत की तरफ से तमाम मांगे की जा रही हैं कि तत्काल वापस नहीं होगा किसान आंदोलन और ऐसे में एमएसपी पर कानून बनाया जाए, संसद में कृषि कानूनों को रद्द करने का इंतजार किया जाए, किसानों से संवाद के लिए ये एक कमेटी बनाई जाए। ये वो तमाम मांगे हैं, तमाम चीजें हैं जो राकेश टिकैत अब भी उठा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाए। एक बार फिर से किसान नेता पवन खटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। जी पवन जी, रखिए आप अपनी बात जो कह रहे थे। देखो, हमारा ये कहना है कि जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों का क्या रहेगा? जो किसान शहादत दे चुके हैं उनके परिवार की जीविका का क्या होगा? जो आगे सरकार हाउस में बड़े तो बिल लेकर के बैठी हुई है, एक बिजली अमेंडमेंट बिल है, एक सील बिल है, उस पर सरकार का क्या रुख रहेगा? जी सरकार ये सारी चीज का स्पष्टीकरण करे, एक कमेटी नियुक्त करे, एमएसपी पर कानून बनाने के बाद में एक कमेटी नियुक्त हो जाएगी किसानों के साथ। पवन जी, किसानों की तरफ से देखिए लगातार आपने भी अभी ये बात की, राकेश टिकैत भी एक यही मांग कर रहे हैं कि जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए वो बेवजह थे? क्या आप ये बात कहेंगे? और क्या कहेंगे हम, आंदोलन होता है, इन्होंने हमारे लिए क्या क्या कहा था, अगर हम फैसला नहीं ठीक है कहा था वो एक अलग बात है, लेकिन किसानों पे मुकदमे बेवजह तो दर्ज नहीं किए गए थे, कुछ किया था किसानों की तरफ से तभी सरकार की षड्यंत्र था,
सरकार के षड्यंत्र के तहत किसानों को फंसाया गया है। बेवजह थी क्या? जो 26 जनवरी पर जो भी मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, वो मुकदमे जब दर्ज क्यों हुए थे फिर आप बता दो हमें। नहीं तो किसानों ने कुछ नहीं किया था क्या? तब किसानों की कोई गलती नहीं थी? किसानों ने नहीं, अभी अभी पवन जी अगर आप अभी ये कह देंगे कि किसानों पर बेवजह के वो मुकदमे थे, हम आपकी बात, मैं आपसे कहती हूं कि हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे अगर आप अभी ये कहेंगे कि बेवजह वो मुकदमे थे और वापस ले लेने चाहिए वो मुकदमे। जब संघर्ष होता है, आंदोलन होता है तो मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें कोई लोग परेशान भी होते हैं। ठीक है, फिर आप जब मान रहे हैं इस बात को, अपने परिवार, हमारे परिवार जी फंसते हैं जाम में, हमारे कारण फंसते हैं, दुखी होते हैं, वो हमारे कारण होते हैं, लेकिन उन सबसे हम गलती मानते हैं। और जो आंदोलन के दौरान जो भी कुछ विवाद रहे, उन्होंने क्या कहा सरकार के लोगों ने? चलिए ठीक है, ठीक है पवन जी ठीक है, आपको मैं अभी रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना जुड़े हुए हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों की अब भी जो मांगे हैं सरकार उन पर स्पष्टीकरण दे और जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं वो वापस ले। अब आप बताइए क्या सरकार वो सभी मुकदमे वापस ले लेगी? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने इनकी दो बातें सुनी है, मैं ज्यादा तो नहीं सुन पाया। 26 जनवरी की बात चल रही थी, इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, तो क्या वहाँ किसानों की कोई गलती नहीं थी इसलिए क्लीन चिट दे दिया है? दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम जब संघर्ष होता है तो कुछ ना कुछ होता है जी, इसके बाद मुझे कुछ कहना ही नहीं है, बहुत एकदम बिल्कुल ये अपनी ही बात नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि इनको कहना क्या है जी। दूसरी बात में रही बात जो आपने आश्वासन मांगा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे किसान नेताओं की जो मांग रही है उसको कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से माफी मांगते हुए जी दिए के रोशनी की तरह साफ, ये इस चीज को मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, इसलिए मैं देशवासियों से माफी मांगता हूं और ये बिल वापस लेता हूं जी। अभी तक किसान भाइयों की, किसान नेताओं की यही तो मांग थी कि तीनों किसान ये बिल वापस लिए जाए, जिसको ये लोग काला कानून बता रहे थे, वो बिल वापस हो गया। अब हनुमान जी की पूछ की तरह इनकी मांग बढ़ती जा रही है। एक उदाहरण होता है ना कि लंका में जब हनुमान जी गए उनकी पूछ बढ़ती गई, उस पर कपड़ा लिपटता गया। तो इन लोगों की जो मांग, कहीं ना कहीं तो स्थिर हो ये लोग। इससे सिर्फ एक चीज जाहिर होता है कि हमारे किसान भाइयों के जो नेता बैठे हैं वहां, उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ दो थी। बिल्कुल अश्वनी जी आपको रोक रही हूँ बीच में, क्योंकि देखिए किसानों की एक मांग ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो माफी मांग ली, लेकिन जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे जिन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, जिन्होंने हमें डकैत कहा, वो भी माफी मांगे। और कई बार आप भी मेरे साथ डिबेट में बैठे थे जिस दौरान आपने भी किसानों के लिए शब्द डकैत का इस्तेमाल किया था। मैं क्या आप माफी मांगेंगे? मैं सुन लीजिए, मैं आज भी कहता हूँ, रणनीत तू ने जो कांग्रेस के सांसद हैं, खालिस्तानी शब्द उन्होंने शुरू किया। दूसरा, हमारे नेता बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से इनसे पूछता हूं, अपने किसान नेता से आप पूछ लीजिएगा जब हमारे बाद इनकी बारी आएगी जी, कि इनके इनके ट्रैक्टरों पर आंदोलन में बॉर्डर पर खालिस्तान के झंडे लगे थे या नहीं लगे थे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, डकैत मैं कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा, उसका कारण सुन लीजिए जी। पवन जी सुनिएगा, फिर आपसे जवाब लूंगी। बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे इनकी, ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही आवाज, आप पूछे ना मैं जवाब दे दूंगी। चलिए ठीक है, ठीक है मैं बताऊंगी मैंने क्या कहा जी। एक किसान नेता जब बैठता है, या कोई राजनेता बैठता है, या कोई विरोध होता है सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है, सरकार के व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होता है, जनता के खिलाफ नहीं होता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है और कोई सरकार से बैर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब बैठे लोग, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के और देश के नेताओं ने ही ठेका ले रखा इन लोगों का सम्मान करने का? हम किसान अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं किसान नेताओं की बात कर रहा हूँ जी। राकेश टिकैत जी ने क्या कहा, बक्कल उखाड़ लेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर एक हमारे बीजेपी नेता का के काफिले को दौड़ा कर पीटा इन लोगों ने। 26 जनवरी के दिन पुलिस वालों को किस तरीके से पीटा और बाद में कह दिया कि हम लोग थे ही नहीं,
जबकि पूरी देश के मीडिया ने दिखाया। इसके बाद भी अगर मैं डकैत न कहूं तो मैं क्या कहूं, मैं सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है अश्वनी जी, नेताओं को है अश्वनी जी, ठीक है पवन जी, अश्वनी जी कह रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए डकैत शब्द का इस्तेमाल पहले भी किया था, आज भी करूंगा और आगे भी करूंगा। नहीं, 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 किसान नेताओं के लिए, माफ कीजिएगा, किसान नेताओं के लिए, और उन्होंने राकेश टिकैत के लिए मैं कह रहा हूं अभी भी। अश्वनी जी आपने अभी आप राकेश टिकैत के लिए कह रहे हैं, इससे पहले कई दौरान आप डिबेट में बैठे, उस समय आपने किसानों के लिए जिक्र किया था, किसान नेताओं के लिए शब्द का हमने कभी नहीं कहा है। आप अगर वो करके दिखा दीजिए, जो बॉर्डर पर बैठे हैं उन किसानों के लिए, किसान नेता, हाँ किसान नेता के लिए अभी भी कह रहा हूँ मैं। अश्वनी जी जो है इनके ना तो घर में संस्कार है ना ये संस्कारी है, इनसे बड़ा गुंडा कोई भी चलती आदमी है, ये इससे बड़ा चरित्रहीन आदमी कोई नहीं है। इस भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो खजाना जी, तो मैं अभी भी कहूंगा कि आप लोग इनसे हमें कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। अश्वनी जी सुन लीजिए, अश्वनी जी करने वाले ये किसान नेता है, ये लोग अश्वनी जी पूछता नहीं है, ये लोग बैठ करके वसूली करते हैं। अश्वनी जी सुन लीजिए, कौन फर्क पड़ता है तुम्हारे कहने से, तुमने भाई देश के प्रधानमंत्री को झुका दिया, तुम जैसे नलायक नेताओं ने नहीं पवन जी ये किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं पवन जी, अरे अश्वनी जी और पवन जी आप दोनों कहाँ जा रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पवन जी आपकी जो नाराजगी आप वो रखिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। आप सुन करके हमसे ये कह रही हो वो डकैत कह रहा है, नहीं एक बात बताइए, आपने पहली बार सुना है क्या शब्द, पहले भी तो इस तरह के बयानबाजी होती थी ना, वो डकैत राकेश टिकैत का नेतृत्व डकैती नेतृत्व है, किसान हमारे अन्नदाता खेतों में है अभी भी, ये सब चोर कहाँ से आ जाते हैं डिबेट पर बैठ लोगों को बैठा लेती हो आप, बैठा लेती। अश्वनी जी आप भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं करूंगा ये सुनता रहूंगा। जब ये भाषण आपने इन्होंने कह रहे हैं, मैं तो डकैत कहूंगा, आगे भी डकैत कहूंगा, मैं कहूंगा आगे भी कहूंगा, तुम डकैत हो क्या? अश्वनी जी और आपने इसे जवाब नहीं दिया। अश्वनी जी अगर अश्वनी जी भले ही आप अपने एक शब्द पर आ रहे हुए हैं, लेकिन आज आपके सुर बदले हुए लग रहे हैं। आज जो है अश्वनी जी, कल प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी तरह से आके इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, इसकी हैसियत क्या है आपकी पता नहीं चल रही हमें, आप एंकरी कर रहे हो तो कम से कम ये तो समझाओ सर भाई, आप क्या अश्वनी जी अश्वनी जी आप इस तरह के शब्दों का मत इस्तेमाल कीजिए, आप मत कीजिए। नहीं ठीक है आप सुनिए नहीं ना, तो आप इस तरह की बोलिए भी मत, फिर वो बोलेंगे आपको, तो आप देखिए अगर मुद्दे पे बात करनी है आपको तो बात होगी, ऐसे पर्सनल नहीं जाना है ना आपको ना उनको, दोनों के लिए बोल रही है बात। कौन गया पर्सनल, पहले हमने नहीं बोला। नहीं ठीक है अश्वनी जी, आपने भी तो उनके लिए डकैत शब्द का इस्तेमाल किया। मैं हमेशा जब मैंने लाइन आप खुद बताइए, आप देश के अन्नदाता को डकैत कैसे कह सकते हैं, चलिए ठीक है स्पष्टीकरण दीजिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ किसान हमारे, ये सब किसान है, ये सब करोड़ों रुपया वसूली कर रखे हैं। ठीक है अगर इनको किसान नहीं कह रहे, क्यों फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल माफी मांगी, क्यों इनसे अपील की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनसे माफी, ये लोग नेता का कवर ओढ़ कर बैठे हुए, देश की देशवासियों से माफी मांगा, इन लोगों से माफी नहीं मांगा, देशवासियों से माफी मांगा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्यों फिर अपील की इनसे अगर ये डकैत हैं? अपील किया इन लोगों की औकात से प्रधानमंत्री जी के सामने बात करने की? फिर अश्वनी जी गैंग वाले ये लोग, अश्वनी जी देखिए सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, इस तरह के शब्द नहीं। नहीं तो मैं देखिए मैं सुनने नहीं बैठा हूँ, ठीक है आप सुनने नहीं बैठे, लेकिन अपने शब्दों का ख्याल रखिए। कहा जाएगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ये मवाली है, ये चरित्रहीन आदमी है, देखिए अगर इस तरह से आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे बात नहीं होगी। आज काटा गया, हत्या की गई, गणतंत्र की हत्या की गई, तुम लोग चोर हो, इस तरह से बात नहीं होगी अगर आप दोनों इसी तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। नहीं देखो ऐसा है जी, हमने हमारी बात सुनो जी, बोलिए पवन जी क्या कह रहा है, हम नहीं सुन पा रहे थे जी, हमने आपसे ये कहा था जो ये कहेंगे आप हमें बता देना, जवाब दे देंगे जी। आपने कहा वो आपके लिए डकैत कह रहा है, ये कह रहा है मैं डकैत कहता रहूंगा,
तो मैं कैसे माला पहना हुआ, मैं इसे गुंडा बताऊंगा, मैं इसे मवाली बताऊंगा, मैं इसे चरित्रहीन बताऊंगा, मैं इसे महाबदतमीज आदमी बताऊंगा, मैं इसे कुत्ता बताऊंगा। पवन जी, किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बात देखिए, मुद्दे पर बात करेंगे तो ही सही होगा, ये इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने हमको इसलिए रोका कि मैं बैठ के आपके चैनल पर गाली फूलूं? अश्वनी जी, दो टके के किसान नेता की औकात है हमको गाली देने की? ठीक है, देखिए इस तरह दो टके का किसान नेता, आप एंक्री क्या कर रहे हैं? ये ठीक मांगकर आने वाले मुझे बार बार क्या बोल रहे हैं? आप भी तो देखिए, आप अपने आप को किस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो बोला उन्होंने, नहीं आप एक बात बताइए पवन जी, आप एक बात बताइए, अब कल प्रधानमंत्री ने आके बोल दिया तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, आपकी मांगे ही नहीं खत्म होने को आ रही हैं? अगर मान लीजिए आपकी ये भी मांगे पूरी कर ले, कल फिर आप अपनी 10 मांगे लेकर आ जाएंगे? कमीने आदमी के साथ मैं वार्ता नहीं करूंगा, रखिए मैं फोन रखता हूं। करो, जब ये बोला था मैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। इस तरह से बातें नहीं होती है, तो ऐसे में पवन खटाना किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी वक्ता अश्वनी शाही भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में किसानों की अभी भी मांगे जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार किसानों की तरफ से कई मांगे अब भी रखी गई हैं कि कमेटी का गठन किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जो किसानों की तरफ से, राकेश टिकैत की तरफ से अभी भी उठाई जा रही हैं। हालांकि आज आपको बता दें, किसानों की एक बड़ी बैठक होनी जा रही है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, आगे क्या कुछ किसान करेंगे उस पर जो है वो पूरी तरह से रणनीति बनाई जाएगी, वो देखने वाली चीज है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।